ब्रेक के बाद जर्मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जर्मन में आज की जो अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दिबांग लाल आतंक देखने के लिए मिला है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि लगातार बिग बी की सेहत को लेकर के सवाल उठ रहे थे सुबह से ही, अब ये खबर आई है कि उनकी तबीयत ठीक है। हम आपको बता दें, 75 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपने से आधी उम्र के अभिनेताओं के बराबर काम कर रहे हैं, चाहे फिल्में हो या विज्ञापन। वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी बाकी अभिनेता, और अक्सर ये कहा जाता है कि इस उम्र में भी वो इतनी ऊर्जा लाते कहां से हैं? इसका जवाब खुद अमिताभ बच्चन से सुनिए। करीब 14 सालों तक अमिताभ बच्चन की फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन रही वृंदा मेहता ने एबीपी न्यूज को अमिताभ की फिटनेस का राज बताया। उनका दिन शुरू ही वर्कआउट से होता है, वो तो गिवन है। कितने बजे नॉर्मली मैंने उनको 6 बजे भी ट्रेन किया है, सुबह 7 बजे भी ट्रेन किया है, शूटिंग के बाद भी ट्रेन किया है, बट अमित जी वर्कआउट नहीं भूलते। अनलेस कि ऐसी रूटीन हो कि कुछ भी करके नहीं हो पा रहा है, बट वो वर्कआउट के लिए टाइम जरूर निकाल। हमने सुना है कि वो चीनी नहीं खाते, वो अल्कोहल से दूर हैं, अब तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन खाते हैं, तो आखिर वो क्या खाते हैं जो उन्हें इतनी ताकत मिलती है? घर का खाना, सिंपल घर का खाना इन बैलेंस्ड अमाउंट, सब कुछ इन बैलेंस्ड अमाउंट, दैट इज द की। वो अपनी जो कहते हैं कि जो स्केड्यूल है वो पहले से बहुत ही प्लान करके रखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अभी भी वो 14 से 16 घंटा दिन में काम करते हैं, और मैंने कभी उनमें थकान या कभी नहीं देखा है। मैं प्राणायाम वगैरह करता हूँ। शरीर क्या है कि अब इतना सुडौल नहीं है कि जितनी मुद्राएं होती हैं योग में वो सब कर सकूं। एक ज़माना था जब हम कर पाते थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन अभी प्राणायाम करते हैं, उसमें काफ़ी हमको सहायता मिलती है। मुंबई से श्वेता के साथ ज्वेता मित्रा की रिपोर्ट। तो दिबांगी, कहा जाए कि स्वस्थ लाइफस्टाइल ही सफलता की कुंजी है बिग बी के केस में। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो खुद भी इस बात को कहते हैं। और अगर आप देखें, उनको एक लेफ्ट शोल्डर जो है उसमें उनकी एक चोट है, जिसकी वजह से उनको बार बार दर्द होता है अगर कुछ उसमें चोट लग जाए या कुछ उठाएं या कुछ गिरे वहाँ पर सेट पर या इस तरह की कोई सीन हो, तो उसकी वजह से वो स्लिंग लगाते हैं, फिर आइस पैक लगाते हैं शोल्डर में। इसके बारे में दिसंबर में वो खुद भी बता चुके हैं, दिसंबर की ये बात है। लेकिन उसके बाद वो फिर काम पर लौटते हैं, और ये जो 102 नॉट आउट है इसमें उन्होंने गाना गाया भी है, कंपोज भी किया है, और म्यूज़िक वीडियो भी बनाया है उसके लिए, वो नाचे भी हैं, तो वो जज्बा भी है उनके अंदर। यानी चोट लगती है फिर वो काम पर लौट जाते हैं। अब यहाँ पे आज भी देख रहे हैं कि अब वो 10 बजे से उनका शूट शुरू हो जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।